Hello friends, thank you for watching our channel. This is our new channel and we are going to promote this with a high quality of our appearance and we are going to add our best stuff for you. मेरे दोस्तों, आज जो मैं बात करने चाहता हूँ वो है हैप्पीनेस के ऊपर, खुशियों के ऊपर. वो क्या है खुशी? जिस खुशी के लिए लोग हर दिन एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे हम बोलते हैं कि उसे उन्हें खुशी मिले. वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में एक वो फील कर पाए जिससे वो अपने दिन को बोले कि हमने कुछ किया है. तो हम खुशी पाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट फिर भी हम जिस खुशी को ढूंढते हैं, जिस असली आनंद को ढूंढते हैं, वो नहीं मिल पाता है. क्योंकि जिस खुशी को हम ढूंढना चाहते हैं वो हम किसी और के अंदर देखते हैं. हम किसी मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए देखते हैं या किसी इंसान के लिए देखते हैं. मान लीजिए आपका कोई टीवी पे शो चल रहा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और वो अगर कलाकार आपको खुश ना कर पाए तो आप सोचते हैं कि आज इसने खुश नहीं किया, आज मज़ा नहीं आया वो आज का शो देख के. और हम अपने आप में ही फील करते हैं कि आज ये देखना था, संडे नाइट थी, फिर भी आज मज़ा नहीं आया देखने में. तो हम उस बात को ये देखते हैं कि किसी और ने जो फील कराना था आपको, उस खुशी के लिए आप वेट कर रहे हैं किसी और के लिए. मीन हम जो चाहते हैं वो किसी और के लिए अगर हम वेट करेंगे कि हमें वो देगा खुशी जो हम खुद अपने आप में पा सकते हैं, तो हमें किसी के लिए नहीं रुकना है. अगर ये खुशी पानी है तो हमें ये नहीं देखना है कि कोई देगा आके, क्योंकि अगर उसी आप बात के लिए वेट करते रहेंगे तो खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई आपका साथी नहीं है, ना आपको कोई कुछ देने वाला है. इस खुशी के लिए हमें क्या करना है, किस बात से हमें खुशी मिल सकती है? तो पहली बात है, अगर खुशी पानी है आपको तो आपको हर दिन एक बात करनी है. जो भी आप काम करना चाहते हैं उसे फील कीजिए, एक ऐसे आनंद से फील कीजिए, एक ऐसे माहौल से फील कीजिए जिसे मैं कहता हूँ कि आज का दिन बन जाए. उसके लिए आप वो काम कीजिए जो आपको पसंद है, ना कि आपके ऊपर जो थोपे जाए, जो दूसरे बोलते हैं कि किए जाए. काफ़ी हम बच्चों को पसंद नहीं होती पढ़ाई करना, किसी को नहीं होती है, बट फिर भी हम करते हैं जो हमें मनपसंद काम लगते हैं. अगर पढ़ाई भी जो आपको पसंद है वो की जाए तो आपको उसमें गुड रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वो आप खुशी से कर रहे हैं. और वो ही बात सेम है, क्योंकि वो खुशी आपको एक अच्छी फीलिंग दे रही है जो वो काम नहीं दे रहा है जो आपको ऊपर थोपा जाता है. तो फील कीजिए उस काम को जो आप करना चाहते हैं. और मुझे नहीं लगता है कि हम हर किसी में कोई कमी है. कमी उस जगह आती है जिस जगह हम वो काम नहीं करना चाहते. मेरे दोस्तों, हम आज के समय में हर दिन फील नहीं ले पा रहे हैं. और सबसे बड़ा कारण ये है फील नहीं लेने का, जो हमारी डेली रूटीन्स हैं वो हमने ऐसी बना दी है, हम ऐसे बना चुके हैं जिसके कारण हम देख रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं वो दोनों जो पाथ हैं वो डाइवर्ज कर रहे हैं, ना कि कन्वर्ज कर रहे हैं. और इसी कारण हमारी फीलिंग जो है, इमोशन लाइक अ रोबोट चल रहे हैं. रोबोट को कोई काम दिया जाता है वो वही करता है जो उसे करने के लिए बोलता है, विदाउट एनी इमोशन एंड फीलिंग. और अगर हम इंसान हैं, वी आर द सोशल एनिमल, वी आर द एनिमल हु कैन डू एनीथिंग बाय द एक्सपीरियंस व्हाट दे गेन. तो हमें अपने जो एक्सपीरियंस है वो इमोशन के कारण आते हैं. और वो इमोशन कहाँ से आते हैं? जो हम फील करते हैं. और हम ये देख लें कि क्या हम फील करना चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी. फील करो, सुबह उठते ही फील करो और थैंक्स करो ये आज जो लाइफ मिली है इसमें वो कुछ करके जाओ. मेरे दोस्तों, खुशियों का एक और स्तर भी है जिसको मैं कहता हूँ द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. ये सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइफ का, एक जगह है, क्योंकि जो हम इमेजिन करते हैं
वो सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं हमें, ना कि जब वो चीज़ हमें मिल जाती है। मैं दोस्तों, हम लोग खुशियाँ जो हैं वो ख़रीद के पाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो हमें खुशियाँ देंगे, बट क्या ये सच है? नहीं, खुशियाँ पानी हैं तो वो खरीद के कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुशी जो होगी वो आपको टेम्परेरी मिलेगी, एक पल के लिए मिलेगी, एक समय के लिए, जो आपको थोड़े के समय के लिए ही बॉन्ड करके रखेगी। उसको भी हम खुशी बोलते हैं, और मैं भी इस बात से खुश होता हूँ जब मैं कुछ लेता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है थोड़े समय के लिए, बट फिर मैं देखता हूँ जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था मैंने लेनी है, और जो सोचते सोचते लेने का समय आ गया तब तक वो खुशी रही, बट फिर जब वो चीज़ यूज़ हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फेंक दिया जाए, मीन अब उस चीज़ की खुशी नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस नेवर कम फ्रॉम मटेरियलिस्टिक। मैं दोस्तों, आखिर में आपको यही बोलना चाहूँगा मैं कि अपनी लाइफ, ये ज़िंदगी एक ऐसे तरीके से जियो जिसे मैं कह सकूँ कि आप इस दुनिया में आए हो आखिर बार में, तो इसे रिमार्केबल बनाते जाओ, एक ऐसी ज़िंदगी बना के जाओ और दे के जाओ जिसे लोग महसूस कर सकें। तो मैं अपने टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए हमारी वीडियो। थैंक यू।